नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोन एजेंट्स हैं उनको सेक्योर्ड लोन्स जो होते हैं उन पर कम कमीशन मिलता है और जो अनसेक्योर्ड लोन्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है और ये डिफरेंस लगभग 3 गुना होता है। जनरली होम लोन मॉर्गेज लोनों में 1% तक की कई कमीशन मिलता है, जबकि जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें 2.5 से 3% तक भी आपको कमीशन मिल सकता है अनसेक्योर्ड लोन्स में। अब रीज़न क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सेक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं। सेक्योर्ड लोन्स में जैसे एग्जांपल के तौर पे कार लोन, होम लोन, ये आपके सेक्योर्ड लोन में आ गए। अनसेक्योर्ड लोन्स में क्रेडिट कार्ड्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, ये सब आपके आ गए अनसेक्योर्ड लोन्स में। एग्जांपल के लिए मैं जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ भी पैसे मांग रहे हैं और वो सिर्फ आपकी साख पर, आपकी रेपुटेशन के बेस पर आपको पेमेंट कर रहा है तो वो अनसेक्योर्ड लोन हो गया। लेकिन अगर आप किसी के पास पैसे मांगने के और आपने कोलैटरल में कुछ चीज़ रखी, जेवर, गिरवी, कुछ भी इमोवेबल ऑब्जेक्ट, तो इसको कहा जाता है सेक्योर्ड लोन। मतलब आपने जो लोन लिया है उसके एवज में आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है। अब इस तरीके से होता क्या है, जो सेक्योर्ड लोन्स हैं उनमें NPA का रेशियो कम होता है, लोन रिकवरी इजीली हो जाती है, क्योंकि हर किसी को ये पता रहता है कि भाई साहब मैंने अगर होम लोन का रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मेरा घर नीलाम किया जा सकता है। और अनसेक्योर्ड लोन्स में क्या होता है, NPA का रेशियो ज़्यादा रहता है, रिकवरी मुश्किल होती है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, रिकवरी एजेंट अगर घर पे गया तो नहीं मिलेगा, कोई फ़ोन किया तो नहीं उठाएगा। इस तरीके से अनसेक्योर्ड लोन में रिकवरी रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी अनसेक्योर्ड लोन पर ज़्यादा रहती है और कमीशन भी लोन एजेंट को कम मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव की फ़ाइल हमें रेफ़र करते हैं तो हम 2% तक का कमीशन आपको देते हैं और हम पैन इंडिया लोन कराते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने लोन एजेंट्स वाल के लिए कि जो ज़्यादा पे आउट के लालच में क्या क्या नुकसान उठा लेते हैं लोन एजेंट्स। DSAs को कभी भी ज़्यादा पे आउट के बारे में नहीं भागना चाहिए, बल्कि ट्रस्टवर्दी ये सब देखना चाहिए, मैंने इस वीडियो में बताया है। धन्यवाद।